बेचारी रो रही है, बोल भी नहीं पा रही। नहीं नहीं तो तुम इतना दिन तक किसी को शिकायत क्यों नहीं की? रो मत रो मत। हम लोग है ना, हम बहुत स्ट्रांग लड़की है, स्ट्रांग लड़की है, मत रो मत रो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ में। ऐसा मजा चखाएंगे ना कि जिंदगी में याद रखेगी। 8 साल से नौकरानी को प्रताड़ित करने वाली रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में थी, उससे पहले अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रताड़ित घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा से रिम्स में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मिलने पहुंची। महुआ मांझी ने पीड़ित सुनीता खाखा से उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इधर प्रताड़ना के आरोपी सीमा पात्रा को अरगोड़ा थाना पुलिस ने बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा पर सुनीता खाखा ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुनीता ने बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है। आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर कैद से मुक्त झारखंड की बेटी सुनीता खाखा कुमारी का मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। देखिए, भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका सीमा पात्रा ने जिस तरह से अपने घर में एक आदिवासी लड़की को नौकरानी के रूप में रखने के बाद 2019 से जिस तरह से उन पर टॉर्चर किया है, वो अमानुषिक है। मैं यही कहना चाहूँगी कि भाजपा के जितने नेतागण हैं और जितने बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री विधायक जो भी हैं, वो लोग पिछले दिनों राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए जिस तरह से अंकिता, बहन अंकिता के केस को उभारा है, पूरे नेशनल लेवल के मीडिया पर बैठकर जिन्होंने चीख चीख कर राज्य सरकार को गालियां दी हैं, घड़ियाली आंसू बहाए हैं, मैं उनसे यही सवाल करूंगी कि क्या यहाँ सुनीता खाखा इनको देखने तो आप एक बार भी नहीं आए? क्या आपकी जो पार्टी की जो महिला नेत्री है उसके खिलाफ आपने तो एक बात नहीं कही? इसके अलावा काजल को संदीप भारती ने जिस तरह से तेजाब फेंक कर जलाया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंकिता को शाहरुख ने किया था, एक बार भी आप लोगों ने काजल के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, ना ही उसे आपने देखने की ज़रूरत समझी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारी जो सरकार है, ये सभी बहनों के लिए एक समान दृष्टि रखती है। यहाँ हमारे यहाँ कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, हम लोग धर्म के नाम पर किसी को तौलते नहीं हैं, और जो अपराधी होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, सब हमारे लिए बराबर है। हमारी सरकार, आज आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से काजल को लेकर वो लोग एयरलिफ्ट करा के बाहर ले गए हैं ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर। हम लोग चाहते हैं कि सुनीता को भी पूरा उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो। हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि आज किस तरह से भाजपा के नेतागण बड़े बड़े बसों में और गाड़ियों में अंकिता का फोटो लगाकर वो लोग दंगा भड़काने के लिए आप प्रोसेशन निकाले हैं शहर में। हम उनसे कहते हैं कि आपके लिए क्या काजल, चूंकि वो हिंदू है इसलिए आप उसमें दंगा नहीं भड़का सकते हैं, इसलिए आप उसको नहीं निकालेंगे, ये बहुत गलत है जी। और साथ ही साथ जो है, जो अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो हुआ है, जो सुनीता खाका का जो सीमा पात्रा के ऊपर जो आरोप लगा है, और जो हमने अभी पीड़िता से मुलाकात की और काजल से भी मिलना चाह रहे थे मगर वो एयरलिफ्ट करवा लिया गया उसको, तो फिर ये जो है हमारा जो इसमें ये कहना है कि एक तो आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह से, मतलब बहुत ही दुखद, मतलब देखने से नहीं लग रहा है कि उसकी उम्र क्या होगी, बिल्कुल सिकुड़ सी गई है बच्ची, और जिस तरह से अत्याचार जो करवाया लगातार होता रहा, बहुत ही दुखद है। और हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग चाहते हैं कि सीमा पात्रा के जो है खिलाफ़ में ली जाए, और सज़ा जो है हाईकोर्ट भी इसको संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।